नमस्कार। अगर आपको एक माइलेज वाले स्कूटर की तलाश है ना, तो मेरे सामने भैया दोनों ही खड़े हुए हैं माइलेज वाले। ये तो TVS कंपनी का जुपिटर, हाल ही में लॉन्च 113 सीसी का ये खड़ा हुआ है जुपिटर TVS कंपनी का, और ये 125 सीसी का खड़ा हुआ है भैया। तो इन दोनों में है तो माइलेज वाले, फ़र्क काफ़ी हो जाता है प्राइसिंग का। मैं बता दूँ, ये वाला स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ प्राइस। ये मैं आया हूँ मल्होत्रा TVS, ये सेंटर पॉइंट के पास पड़ता है TVS का शोरूम, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। तो इसके यहाँ के ऑन रोड प्राइस दोनों स्कूटर्स के क्या हो जाते हैं, देखिए। ये तो जुपिटर 125 जो सीसी खड़ा है, ये टॉप मॉडल खड़ा हुआ है, और ये वाला जुपिटर 113 सीसी खड़ा है, ये टॉप से एक वेरियंट नीचे है। बस उसमें डिस्क ब्रेक लगा दो तो टॉप हो जाएगा, तो टॉप से एक वेरियंट नीचे। तो इसके प्राइस क्या हो जाते हैं और इसके प्राइस क्या हो जाते हैं, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। देखिए इसका 125 का प्राइस सुनो, इसका प्राइस होता है, टोटल बता रहा हूँ मैं, ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ, 118,500 रुपये हो जाता है इसका। और देन अगर मैं इसकी बात करूँ जुपिटर 113 सीसी की, तो इसका जो प्राइस हो जाता है आपका ऑन रोड, 102,000 रुपये हो जाता है। अब जैसे मेरे सामने ये टॉप वेरिएंट खड़ा है, अगर मैं टॉप वेरिएंट दोनों का ही प्राइस बताऊँ, तो ये 118,500 और इसका 113 सीसी का टॉप वेरिएंट का प्राइस 106,000 करीब हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में, वीडियो बनाने का औचित्य क्या है, इस वीडियो में दोनों स्कूटर का कंपैरिजन करूंगा। तो अगर लगभग अगर 16,000 और या 15,000 रुपये कंपनी ज़्यादा ले रही है 113 सीसी और 125 सीसी में, तो आपको क्या चीज़ दे रही है। अगर आपको 113 सीसी में आना है तो आ सकते हो, क्योंकि अभी हाल ही में लॉन्च करा है। लेकिन उससे कहीं आप जाना चाहते हो, 125 ज़्यादा पावर, ज़्यादा पिकअप का स्कूटर लेना चाहते हो, और पिकअप भी हो और माइलेज भी अच्छा निकले, आप क्या समझ रहे हैं, ये 125 सीसी का स्कूटर है, ये जुपिटर 125 सीसी है TVS कंपनी का, तो ये कम से कम आपको 45 से 50 तक का माइलेज अच्छे से निकाल देगा, अगर अच्छे से चलाओगे इको कंडीशन पे। वही सेम ये 113 सीसी, ये 50 प्लस का भी माइलेज निकाल देगा अगर आप ठीक से चलाओगे। तो वही है ना, अगर इको कंडीशन पे चलाओगे और अच्छी मतलब टायर प्रेशर रखोगे, ज़्यादा लोड नहीं मारोगे गाड़ी पे, तो अच्छा माइलेज ये TVS के जुपिटर जो अभी मार्केट में इस समय चल रहे, तो अच्छा माइलेज देते हैं, अच्छे माइलेज वाले स्कूटर ही कहलाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इनका जो कंपैरिजन है दोनों स्कूटर का, फ्रंट इसके प्रोफाइल से। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको दिख रहा होगा, जो आपको दोनों स्कूटर में ब्लैक कलर का वाइजर दिख रहा होगा, देखिए, लेकिन यहाँ पर इस समय क्रोम का कोई वर्क नहीं है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ ये भी आता है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ ये भी आता है, पर इस वाले स्कूटर में आपको क्रोम का वर्क देखने को मिलेगा, देखिए, है ना, वाइजर के साथ, पर इसमें नहीं है। हेडलाइट में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा, इसकी हेडलाइट थोड़ी सी स्प्लिट में बोल सकते हैं, ये देखिए, ये लिखिए LED टैग करके लिखा हुआ है इसके अंदर, स्प्लिट में LED है, स्प्लिट में है, पर इसकी LED है पर स्प्लिट में नहीं है, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिल जाती है। देख लीजिए आप ध्यान से देखिएगा, लाइट में भी फर्क देखने को मिल जाता है, वाइजर में भी थोड़ा स्टाइलिश का फर्क देखने को मिल जाता है, स्टाइल मिल जाता है, थोड़ा सा नीचे बढ़ जाते हैं। अब इसमें इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये पूरी तरह से चेंज है, इसमें आपका इन्फिनिटी लैम्प देखने को मिलेगा इस वाले स्कूटर में, जलाने के बाद बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, देखिए, ये देखिए जल गया, पर इसमें कोई भी इन्फिनिटी लैम्प नहीं मिलता है, लेकिन ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है जलने के बाद। ये देखिए इसका ना साइड स्टैंड लगाया तो वज़र बजा जा रहा है। तो देखिए इसमें इंडिकेटर देखो इस टाइप से जलता है, और इसके अंदर इंडिकेटर इस टाइप से, इसमें इनबिल्ट है, इसमें अलग से बल्ब के रूप में इसमें LED में इंडिकेटर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें इन्फिनिटी लैम्प यहाँ पर है ना, वैसे इसमें इन्फिनिटी लैम्प साइड में लगा हुआ है, जो कि आपका डे रनिंग लाइट का भी काम करते हैं, DRL जिसे बोलते हैं। इसके अंदर ये वाला पोर्शन भी काफ़ी अच्छा लगा है, इसमें क्रोम का वर्क देखने को मिलता है, और सामने वाला ये वाला पोर्शन दोनों स्कूटर में फाइबर में देखने को मिलता है, TVS की ब्रांडिंग लिखी हुई जाती है, और नीचे जो उसका फेंडर है मेटल में देखने को मिलता है। अच्छा, दोनों ही स्कूटर के जो टायर साइज़ की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों ही स्कूटर के टायर जो हैं दोनों स्कूटर के सेम देखने को मिलते हैं, वही 90x90 12 इंची के व्हील साइज़ के साथ ट्यूबलेस टायर है, पर 113 सीसी में आपको डायमंड कटिंग के अलॉय व्हील्स देखने को नहीं मिलेंगे, देखिए। वहीं अगर 125 सीसी में आओगे तो डायमंड कटिंग के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। अब टॉप मॉडल में अगर जाओगे, अगर 113 सीसी का टॉप मॉडल लोगे, तो बस यहाँ डिस्क ब्रेक लगा दो बस, और 106,000 रुपये दे दो, 4,000 रुपये ज़्यादा दे दो, डिस्क ब्रेक लगा दो, तो ये आपका टॉप वेरिएंट बन गया। तो ये भी डिस्क वेरिएंट में देखने को मिलता है, ये वाला स्कूटर मेरे सामने जो खड़ा हुआ है, ये 240mm का डिस्क ब्रेक है, यहाँ पर इस समय ड्रम ब्रेक खड़ा हुआ है, तो 130mm का ड्रम ब्रेक ये, और 130mm का पीछे, दोनों ही स्कूटर में देखने को मिलता है।
और दोस्तों ये स्कूटर जो हैं SBT सिंकिंग ड्राइव ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आते हैं, यानी कि ये है ना पीछे वाला ब्रेक अगर हम लगाएंगे तो आगे वाला भी कुछ परसेंट लगता है। जैसे हम एग्जांपल यहां से समझो आप, ये मैंने पीछे वाला लगा दिया तो आगे वाला भी कुछ परसेंट लगता है, इससे गाड़ी स्किड वगैरह नहीं होती है। प्लस दोनों ही स्कूटर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, यानी कि अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लोगे कॉल SMS और वो मैसेज वगैरह का अलर्ट वगैरह देखने को मिलेगा, प्लस नेविगेशन भी देखने को मिलेगा। टर्न बाय टर्न जो नेविगेशन होता है ना, मतलब ये स्कूटर बटन के साथ मतलब बोलने से भी चलेगा, कहने का मतलब अगर आपको कहीं जाना है बस एक बटन मिलता है, इसमें डेडिकेटेड बटन मैं दिखा दूँ वॉइस कमांड वाला। देखिए यहाँ से समझिए, ये देखा आपको वॉइस कमांड का एक अलग से बटन देखने को मिलता है ये वाला, और इसमें भी देखने को मिलता है ये रेड कलर का आ गया। बट जब इस बटन को दबा देंगे आप तो क्या होता है, ये स्कूटर के हमें घंटा घर जाना है तो जैसे दबा देंगे टर्न बाय टर्न नेविगेशन इसके मीटर कंसोल में आने लगेगा, पूरी तरह से डिजिटल मीटर कंसोल है। तो सबसे पहले हम 125 के बारे में बात कर लेते हैं, बंद करा और खोल कर दिखाता हूँ क्या क्या फंक्शन देखने को मिलेंगे। ये मैंने पूरी तरह से कैमरे को इसके मीटर पर कर दिया, ये देखो ये ऑन हुआ, ये वेलकम राइडर और स्पीडोमीटर ऑडोमीटर और उसमें टाइमिंग भी माइलेज भी देखने को मिलेगा, है ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर ड्राइविंग रेंज भी देखने को मिलेगी, पावर और इको फ्यूल गेज देखने को मिलेगा। अजी जो एक राइडर को ज़रूरी रहता है ना वो सारे फंक्शन इसके अंदर मीटर कंसोल में देखने को मिलता है। पैटर्न कुछ इस टाइप से आ जाता है मीटर कंसोल का, और नए वाले जुपिटर 113 का जो पैटर्न है वो मीटर कंसोल का कुछ इस टाइप से होता है। मैं इसको खोल कर दिखा देता हूँ, ये खुलने के बाद ऐसा लगता है, देखिए ये टर्न बाई टर्न इसी के अंदर आता है, आइडल का भी कंडीशन भी आता है और हेलमेट बोलने के लिए भी वो पहनने के लिए बोल रहा है इसमें भी और उसमें भी, ये सारी चीज़ें वही माइलेज वालेज भी ये इसमें बताएगा, फ्यूल गेज बताएगा, सर्विस रिमाइंडर बताएगा, अरे सारी चीज़ें वही मैंने बोला ना एक राइडर को, पर ये समझ लो डिजिटल मीटर कंसोल दोनों ही स्कूटर में आपको देखने को मिलेगा। ये देख दोनों स्कूटर में डिजिटल मीटर कंसोल, और एक चीज़ और समझो, ये दोनों स्कूटर में आपको चाहे जुपिटर ये 125 ले लो चाहे आप जुपिटर 113 सीसी ले लो, इसमें आपको आगे से ही तेल भरने की सुविधा इसमें उपलब्ध है। कहने का मतलब 5.1 लीटर इसमें तेल भरा जाएगा, माइलेज मैंने आपको बताया था इसका 40 से 45 तक और इसका 50 तक माइलेज जाएगा, ठीक है, और आगे से तेल भरेगा। E20 सपोर्ट के साथ इसका इंजन देखने को मिलता है, यानी कि E20 इसमें फ्यूल मतलब जो है एक्सेप्टेबल है, और आगे इसमें चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलते हैं दोनों ही स्कूटर में। देखो यहाँ से समझो, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये इसमें भी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा और इसमें भी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि मोबाइल को चार्ज करने की भी सुविधा भी इस स्कूटर में देखने को मिलेगी, और ग्लव बॉक्स फ़ोन वगैरह भी यहाँ रख सकते हो और यहाँ पर भी रख सकते हो फ़ोन। और दोस्तों लैग वाला जो एरिया है ये भी काफ़ी स्पेशियस देखने को मिलता है दोनों स्कूटर में। ये देखो यहाँ से समझो, दिख रहा है आपको, यानी कि गैस का सिलेंडर तो आराम से इस स्कूटर में आ जाने वाला है। वहीं डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो साइड में जुपिटर 125 इसमें लिखा हुआ है क्रोम के फिनिशिंग के साथ, और इसमें इस टाइप की फिनिशिंग के साथ थोड़ी कटिंग वाली बॉडी है ये देखने को मिल जाता है। बैक प्रोफाइल बहुत ही अट्रैक्टिव, मैं तो ये जुपिटर 113 सीसी के साथ जाना चाहूँगा, बहुत ही अट्रैक्टिव है, सच्ची कह रहा हूँ। इसका वाला भी है अपना, इसमें हैलोजन में देखने को मिलता है, इसके जो बल्ब है हैलोजन में बैकलाइट देखने को मिलती है, और जो आपके DRL से वो LED में और हैलोजन में इसके इंडिकेटर, पर वहाँ अगर चले गए टोटल LED में वर्क देखने को मिलता है। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिशिंग में कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा करा है भाई साहब, नए वाले जो आपका नया वाला जुपिटर है इसमें देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एग्जॉस्ट दोनों स्कूटर के सेम देखने को मिलते हैं, ये देख लो। वहीं अगर मैं स्कूटर के इंजन की बात करूं तो दोस्तों इंजन देखो इस वाले का तो जाहिर सी बात है, जो रियल सीसी, वैसे तो 125 लिखा हुआ है तो रियल सीसी जो है 124.8 सीसी का है, 8.04 BHP की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क इस वाले का देखने को मिलता है, और ये 113.3 सीसी का इंजन है, इसमें 7.91 BHP की पावर और 9.8 Nm का टॉर्क इस वाले स्कूटर का देखने को मिलता है। दो टॉप वेरिएंट में आपको किक देखने को नहीं मिलेगी, चाहे 125 में एक ले लो टॉप वेरिएंट, चाहे 113 सीसी वाले का इसका टॉप वेरिएंट ले लो, कंपनी ने किक हटा दिया, डिस्क ब्रेक लगा दिया, बस ये फ़र्क देखने को मिलता है। साइड स्टैंड देखने को मिलता है, साइड स्टैंड में एक बजर की बीप आती है 125 सीसी में, ये देखिए पी बजता रहेगा, तो ये एक रिमाइंडर टाइप है। और इसके जो फूट रेस्ट हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, ये देखिए ये इसका भी फूट रेस्ट काफ़ी यूजेबल है, ये बाकी फीमेल रखने के लिए यहाँ पर ये फोटोस दिया गया है, ये भी फीमेल के पैर रखने के लिए, फीमेल बैठे कोई भी किसी के भी पैर रखने के लिए, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है कि फीमेल के पैर रखने के लिए कोई भी पैर रख सकता है। यहीं अगर ग्रैब हैंडल के ऊपर यहाँ पीछे बैक सपोर्ट मिल जाती है 125 सीसी में, यहाँ पर कोई बैक सपोर्ट देखने को नहीं मिलती है, ये सिंपल ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है इस स्कूटर में।
अब मैं बूट स्पेस दिखाता हूँ दोनों ही स्कूटर का। ये देखिए, इसमें 34 लीटर का बूट स्पेस, स्पेसियस बूट स्पेस देखने को मिलता है। ये देखिए 34 लीटर का स्पेसियस, ये ऊपर से देखिए ठीक है। और इसमें भी 113 सीसी में भी आपको अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिलेगा। ये देखिए इसमें 33 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा। हो गया ना, बढ़िया सौदा हो जाता भाई साहब। वहीं स्विचेस की बात करूं तो इस वाले 113 सीसी वाले स्कूटर में आपको आइडल वाला जो बटन है उसको बंद और खोलने का स्विच देखने को मिलता है। यहाँ पर सेल्फ का देखने को मिलता है, वॉइस कमांड का देखने को मिलता है, हाई बीम लो बीम का, पासिंग का स्विच, और ये इंडिकेटर का और ये हॉर्न का स्विच देखने को मिलता है। ठीक है, हॉर्न भी आप मतलब हॉर्न का बटन देखने को मिलता है दोनों ही स्कूटर, वो तो सब में देखने को मिलता है हॉर्न का, ये भी वही सेम देखने को मिलता है। और हाँ, इस स्कूटर में हजार्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि चारों इंडिकेटर एक साथ चलते हैं। देखो, पर इसके अंदर देखने को नहीं मिलता, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है ना। और वहीं आपको हाई बीम लो बीम पासिंग का और ये इंडिकेटर का ना, ये अच्छी चीज़ है कि हज़ार का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी फैसिलिटी भाई कंपनी ज़्यादा पैसा ले रही है और इंजन की पावर ज़्यादा दे रही है और टॉर्क ज़्यादा दे रही है, बीएचपी ज़्यादा दे रही है, फैसिलिटी भी ज़्यादा दे रही है 125 सीसी में, और माइलेज भी ज़्यादा दे रही है। तो आप इसमें भी आ सकते हो और इसमें भी आ सकते हो। अब मैं बताऊँ इसमें आपको क्या नहीं मिलता है। इसमें वही जो आपका आइडल वाला स्विच वाला मिलता है वो तो मिलता है, लेकिन इसमें एक बहुत कमाल का फीचर देखने को मिलता है इस वाले स्कूटर में 113 सीसी वाले में। देखिए ये TVS iGo असिस्ट देखने को मिलता है इस वाले में। जैसे आपको एक एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत होती है ना, जैसे पुल पे चढ़ रहा है, इंजन को पावर की ज़रूरत है, वो पेट्रोल से नहीं लेकर बैटरी से लेता है, तो इसमें एक स्पेशल फीचर आ गया। पर इसमें आई थिंक नहीं है, इसमें आई थिंक ये वाला फीचर नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। वहीं आप देख रहे हो एक थोड़ा इंटीरियर वाला पार्ट, थोड़ा सा बॉडी के कलर में ही मेहरून कलर में देखने को मिलता है, पर उसमें कोई ऐसा कुछ पार्ट देखने को नहीं मिलता 113 सीसी में। ये देख लो, बाकी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा दोनों में, अगर आप लेना चाहो TVS का जुपिटर 125 में जाओगे या 113 सीसी में जाओगे, या इसका भी एक जो पुराना जुपिटर 110 आता था उसमें जाओगे, तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख कर बताओ। और अब बात कर लेते हैं इनकी कर्व वेट की। तो दोस्तों ये जो ये वाला स्कूटर है जो 125 सीसी, इसका जो कर्व वेट है वो आपको 108 किलो का देखने को मिलता है, और इसका कर्व वेट 106 किलो का देखने को मिलता है, यानी कि वजन भी ये स्कूटर ज़्यादा वजन में ज़्यादा है, तो पैसा भी ज़्यादा है। और दोनों की सीट हाइट दोस्तों सेम है, 765 mm की दोनों की सीट हाइट देखने को मिलती है। ये जैसे किसी की हाइट जो है 5 फीट भी है तो वो इस स्कूटर को चला सकते हैं। देन इसका ग्राउंड क्लियरेंस दोनों स्कूटर का सेम देखने को मिलता है, 163 mm का इसका भी और इसका भी 163 mm का। एक चीज़ बहुत खास लगती है मुझे इस स्कूटर की, अगर सपोज़ करो ये स्कूटर साइड स्टैंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मिडिल स्टैंड पे खड़ा करने में बहुत बहुत आसानी है, मैं करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ये साइड स्टैंड पे खड़ा हुआ है, मुझे मिडिल स्टैंड पे लेना है, सिंपली इस स्कूटर को ऐसा करूँगा, वन पुश में कोई मुझे फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा नीचे बस मतलब प्रेस करूंगा अपने बॉडी को, लेग को नीचे प्रेस करना है, ऐसे नहीं करना है स्कूटर को, तो आराम से इजीली ये मिडिल स्टैंड पे भी खड़ा हो जाता है। इसका ये भी सेम खड़ा हो जाता है मिडिल स्टैंड पे, और ये भी आराम से खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं दोनों का कंपैरिजन लेकर आया था। देखो ये 118,500 रुपये खर्च करने के बाद टॉप मॉडल में आपको मिल जाएगा 125 सीसी, और ये मिल जाएगा आपको 106,000 रुपये खर्च करने के बाद टॉप मॉडल में इसका 113 सीसी। फ़र्क तो है, यानी कि 16 कर रहे हो, यानी कि आपका 12,000-12,500 रुपये का फ़र्क है, लेकिन फैसिलिटी इसमें ज़्यादा मिलती है। मेरा रिकमेंड तो यह है भाई 113 सीसी में चले जाओ, क्योंकि नया आया है और 12,000-13,000 रुपये थोड़ा सस्ता भी मिल रहा है, माइलेज भी वही है, पावर भी है स्कूटर में, 113 सीसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको ज़्यादा पावर में ज़्यादा माइलेज चाहिए तो आप इसमें भी आ सकते हो। तो बस ये जानकारी थी इन दोनों स्कूटर के बारे में, 125 सीसी 113 सीसी के बारे में कंपैरिजन की, कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। मेरा रिकमेंडेशन 113 सीसी है, क्योंकि मेरे दिल से पसंद कर रहा हूँ इस स्कूटर को, जब से ये निकला है सच में। देखो मैट ब्लू कलर में कलर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।